वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल्फ डिफेंस सीरीज नंबर 13। इससे पहले अगर आपने सीरीज जो नहीं देखी है बाकी की, वो आप देख लें और उन्हें कंप्लीट कर लें, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ नीज के बारे में कि आप अगर किसी को घुटना थ्रो करते हैं, नी मारते हैं, तो उसे कैसे थ्रो करना है और इसमें लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं और ये रोड फाइट में किस तरीके से काम आ सकती है, और अगर आप इसको रिंग में या एमएमए में यूज करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हैं मिस्टेक्स की तरफ कि लोग गलतियां क्या करते हैं। मोस्टली नी में लोग गलतियां करते हैं, वो एक तो टारगेट नहीं लेते हैं, और अगर टारगेट ले भी लेते हैं कि मुझे इस एंगल से मारना है, तो वो नी को प्रॉपर हिट नहीं करते हैं। एक तो वो पैर इस तरीके से लिफ्ट करेंगे, नीचे का पोर्शन आप देख लें थोड़ा सा पीछे आते हैं बस, एक तो जब वो पैर लिफ्ट करते हैं और नी मारते हैं तो वो ऊपर की तरफ मारते हैं, वो इस तरीके से ये, और कमर को आगे की तरफ बेंड कर लेते हैं ये। इसमें क्या है कि प्रेशर उतना जनरेट नहीं होता जितना इफेक्टिव हमें सामने वाले को मारना है, और दूसरा क्या है कि जब हम नी मारते टाइम इस तरीके से मारते हैं तो हम उसके इतने क्लोज आते हैं कि वो हेडबट भी मार सकता है हमें, या वहाँ से एल्बो स्ट्राइक भी ले सकता है। तो हमें कम से कम इतनी रेंज तो कवर कर लेनी है कि हम एल्बो स्ट्राइक और हेडबट से बच जाएं। बाकी पंचेस के लिए तो फिर हमारे पास हाथ हैं, हम उससे उनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम फिलहाल आपको बता देते हैं कि ये पहली मिस्टेक होती है लोगों की ये। दूसरा मिस्टेक ये होती है कि जब वो पैर उठाते हैं तो इस पैर को इस तरीके से रख लेते हैं, उठाते टाइम नीचे जो आप टॉस देख रहे हैं हील का एरिया, वो इस तरीके से उठाते हैं, ये भी नहीं करना है। ये दो मिस्टेक तो कॉमन होती ही हैं। चलिए करना कैसे है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि भाई टारगेट कितना दूर है हमारा। जब मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मेरा पंच पहुँच सकता है तो मैं यहाँ तक नी पहुँचा सकता हूँ, ये इसका टारगेट होता है। जहाँ तक आपके पंच की रीच है वहाँ तक आप नी पहुँचा सकते हो। अगर इससे कम है तब भी पहुँच जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको नी मारने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे किक का इस्तेमाल करें। ठीक है, नी एक बहुत ही शॉर्ट रेंज की और बहुत ही इफेक्टिव पावरफुल स्ट्राइक होती है। इसे मारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये चीज़ है कि ये मेट्रो या क्लोज कॉम्बैट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि वो ग्रोइन अटैक बड़ी आसानी से मार सकती हैं। लेकिन उसको तरीका क्या रहेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि नी को थ्रो कैसे करना है और टारगेट क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि सामने बॉडी हम देख रहे हैं, हमें इसमें जो नी मारने के दो या तीन टारगेट दिखते हैं। पहला टारगेट ग्रोइन एरिया, कि आप ग्रोइन पे हिट करेंगे, यानी मेल का जो मैन पार्ट होता है आप वहां पे हिट करें दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, तो आप ग्रोइन पे इसको हिट कर सकते हैं। दूसरा होता है सोलर प्लेक्स, अगर हम नी को ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, यानी अगर मेरा नी यहां तक पहुंच रहा है तो फिर मैं इसको सोलर प्लेक्स पे भी हिट करूंगा। ठीक है, और ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर जैसे लड़कियां इसको यूज कर रही हैं तो उनकी हाइट थोड़ा कम है मेल की अपेक्षा, यानी वो 5-5 इंच हैं, या 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच, और अगर मेल 5-6 फुट 2 इंच या 6 फुट है तो फिर वो सोलर प्लेक्स पे ट्राई ना करें, उन्हें ग्रोइन पे ही हिट करना चाहिए। या अगर वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, यानी उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया है, तो फिर वो उसके फेस पे मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही कहता हूँ हमेशा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, दोनों ही अगर तुम्हारा अपोनेंट हैवी वेटेड है, तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वाइटल्स पॉइंट पे हिट करें और जितनी जल्दी हो सके उस सिचुएशन से भाग लें, क्योंकि उसी में आप बच पाओगे। अदरवाइज आप सोचो कि मैं उसको कंट्रोल करूं या लॉक्स लगाऊं बहुत ज़्यादा, तो वो आपको थोड़ी देर बाद कंट्रोल कर लेगा और मारना शुरू कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए, लेकिन उससे भी ऊपर जो तीसरा फेस का पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल करके आप मार सकते हो। तो ये तीन पॉइंट में हम नी हिट करते हैं, पहली प्रोसेस ये सुन लो आप। ठीक है, अब इसके बाद करनी कैसे है ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा अटैकर हमारे से इतनी दूर खड़ा हुआ है और मैंने इसको टारगेट किया नी के लिए, तो पहली जो हमें कंडीशन याद रखनी है उसमें ये रहेगा कि हमारा जो टोस है वो हमेशा इस तरीके से उठेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा नी मारते टाइम, क्योंकि इसमें आप देखना यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा उठाते हो तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी, और टेंशन की वजह से ये नी पावरफुल तरीके से लिफ्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहली टेंशन। दूसरा, जब आप इसको रिलैक्स करोगे
तो आप देखो नी कितना इजी ऊपर जा रहा है, बहुत इजीली तरीके से ऊपर आप इसको लिफ्ट कर पाओगे, ठीक है। तीसरा, जब हम प्रेशर लेते हैं तो हमें पैर को नीचे से ऐसे फेंकना है जैसे एक स्प्रिंटर रनिंग में अपने पैर को पीछे की तरफ ऐसे फेंकते हुए आगे बॉडी को बढ़ाता है, सेम हमें नीचे से पावर को ऐसे ही जंप करना है। जैसे आप एक जंप कर रहे हैं ना, समझ लो कि आप नी परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहां से पावर को ऊपर की तरफ उठा रहा हूं और सामने मेरे टारगेट है। तो पहला तरीका कि मैं नी को अंदर की तरफ धसाऊंगा अपनी रीच बढ़ाने के लिए। मान लो मेरा नी यहां तक पहुंच रहा है, ये देखो आप यहां पर लिफ्ट हो रहा है, लेकिन इससे इसको हिट नहीं होगी किसी भी तरीके से। लेकिन मुझे अगर इसको पावर तरीके से जनरेट करना है और इसको आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने हिप के मूवमेंट को आगे की तरफ लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने फ्रंट किक में आपको बताया था। तो अगर मैं इस मूवमेंट को आगे की तरफ लूंगा तो यहां से बॉडी की पावर भी जनरेट होगी और साथ में मेरे पैर की पावर भी जनरेट। तो देख लेते हैं, ये और जबकि अगर मैं नी को उठाता हूं तो ये यहीं तक पहुंचेगा। ये देखो अभी इसमें नहीं पड़ रहा, लेकिन जब मैं बॉडी की पावर जनरेट करूंगा तो ये नी यहां तक पहुंच रहा है। तो तरीका देख लो आप एक बार, पैर को लिफ्ट किया एंड बॉडी आगे एंड पीछे एंड रिटर्न, यानी कि हिप मूवमेंट, ये एंड बैक एंड बैक एंड बैक एंड बैक। पहला तरीका ये है नी मारने का। सेम पोजीशन में आप ग्रोइन पे भी हिट कर सकते हो। जैसे कि हमारे सामने अपोनेंट है, हमने देखा कि यहां से हमें ग्रैब कर रहा है या मारने की कुछ भी कोशिश कर रहा है, तो सिंपल सा है, पैर उठाओ एंड नी सीधा, ये सबसे ज्यादा इजी है। दूसरा तरीका, इसने हमें ग्रैब कर लिया है और मारने की कोशिश कर रहा है तो हम भी करेंगे एंड सोलर प्लेक्स पे पैर को धसा दो। जैसे इसका ये सोलर प्लेक्स, नी उठा, ये तो ये पीछे चला जाएगा, ये ठीक है। आपकी बॉडी को आगे की तरफ धकेलना होता है, ये दूसरा तरीका। और फेस पे मारने के लिए हमें इसको कंट्रोल कर लेना है, इसका हैंड रैप कंट्रोल, और यहां से इजी फेस पे आप हिट कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं। इसमें आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको लंजेस करना है और जंपिंग लंजेस करना है, ये चीज याद रखना, क्योंकि इसके लिए यही एक बेस्ट एक्सरसाइज है। जब आप जंपिंग लंजेस करोगे आपके नी की पावर अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। पैर लिफ्ट, आजकल जो माहौल चल रहा है टाइमिंग के हिसाब से, मैं गर्ल्स को एक ही सलाह दूंगा कि वो डेली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर वो घर पे कर सकती हैं तो घर पे करें, या उनके पास कोई अच्छी एकेडमी है, एक अच्छा टीचर है तो उससे ज़रूर सीखने जाएं, और एक घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें। मैं जो आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके लिए हर सेल्फ डिफेंस में यूज आने वाली टेक्निक है, और 60 दिन के अंदर मैं ये कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो 60 दिन में आप जो जो सीख सकते हैं यहाँ से सीख सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप जब भी कभी बाहर जाएं, उससे पहले आप प्रैक्टिस ज़रूर करें डेली अपने घर पे कि भाई मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियोस को रेगुलर देखें और उससे सीखते रहें, और कल हम एक वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।